देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 में होने वाले एग्ज़ाम्स की डेट शीट कब रिलीज़ की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम डेट शीट के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इम्पॉर्टेंट अपडेट को भी ज़रूर देखें। आप प्रतिमा चौहान मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री देख सकते हैं। 24 अप्रैल 2022 को मैडम की फ्री क्लासेस होने वाली हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक पर क्लिक करते ही मैडम की आप फ्री क्लासेस को देख पाएंगे। आपकी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जो होने वाला है 24 अप्रैल 2022 को 12 बजे, जिसमें आप PC2021 कोड का इस्तेमाल करके इनरोल हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में पूछे जाएंगे आपसे 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में, यानी कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। और अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से बनाया गया है, जो कि आपकी एसएससी एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके ज़रिए आप इसमें आप प्राइज भी जीत सकते हैं। डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, फिटबिट, अमेजॉन वाउचर जैसे प्राइजेस आपको मिलेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट अवेलेबल है, यानी कि आप इंग्लिश में भी टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी में भी टेस्ट दे सकते हैं। 24 अप्रैल 2022 12 बजे ये होने वाला है। PC2021 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। 1 से 10 रैंक लेकर आने वाले को 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये टेस्ट जो होगा इसमें 5000 रुपीज़ तक की अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाएंगे। और अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपका 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दे रहा है। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट आपका ऐप और वेबसाइट दोनों के जरिए आप इसको दे पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी अब डिक्लेयर किया जा रहा है। तो उसके बाद होंगे आपके जून 2022 एग्ज़ाम, जिसके असाइनमेंट इस समय आप 15 मई 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी डेट शीट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि डेट शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक बार डेट शीट पता चल जाए तो आपको पता चल जाता है कि किस दिन मेरे किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, और इस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा पाऊँगा या फिर नहीं। तो आपकी जो डेट शीट होती है वो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म के बाद रिलीज़ की जाती है, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया जाता है डेट शीट, या तो उस दिन या उसके कुछ दिनों बाद आपके लिए रिलीज़ की जाती है। जो डेट शीट सबसे पहले रिलीज़ की जाती है वो टेंटेटिव डेट शीट होती है, यानी कि डेट शीट एक बार रिलीज़ कर दी जाती है। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि अगर आपको इसमें कोई ऐसा लगता है कि दो सब्जेक्ट आपके एक ही दिन पे पढ़ रहे हैं, एक ही टाइमिंग पे पढ़ रहे हैं, और आप उनका शेड्यूल को थोड़ा चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको 10 या 15 दिन का मौका दिया जाता है, जैसे कि पिछली डेट शीट में दिया गया था। तो जब इस तरीके से स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद उस टेंटेटिव डेट शीट में थोड़े बहुत चेंजेस के बाद आपके लिए एक नई डेट शीट रिलीज़ की जाती है, जो कि फाइनल डेट शीट होती है। तो जो टेंटेटिव डेट शीट होती है उसके लगभग 1 महीने बाद आपकी फाइनल डेट शीट रिलीज़ की जाती है। तो आपकी 2 या 3 डेट शीट रिलीज़ की जा सकती है। पहली डेट शीट होती है टेंटेटिव डेट शीट, जो कि आपकी रिलीज़ की जाएगी या तो एग्ज़ाम फॉर्म जिस दिन आएगा उसी दिन, या फिर आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म के कुछ दिनों बाद। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मई के फर्स्ट वीक में रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में आपकी डेट शीट भी रिलीज़ की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक टेंटेटिव डेट शीट होगी, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज बाद में फिर से किया जा सकता है जब नेक्स्ट डेट शीट रिलीज़ की जाएगी। उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका जो सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम उस दिन नहीं होना चाहिए, या दो सब्जेक्ट जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पढ़ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो इसके ऊपर कंप्लेंट कर पाएँ। और अगर इग्नू को लगता है, इग्नू एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि उनकी कंप्लेंट जेन्युइन है और उनकी कंप्लेंट सही है, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है, तो वो फिर डेट शीट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद फिर नई डेट शीट रिलीज़ की जाती है, जिसको फाइनल डेट शीट कहा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने तक का समय लगता है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में आपकी पहली डेट शीट रिलीज़ की जा सकती है, जो कि होगी आपकी टेंटेटिव डेट शीट। और जून के फर्स्ट वीक तक पूरी उम्मीद है कि एक फाइनल डेट शीट आ जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका किस दिन
किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट होती है उसमें भी लगभग 90% जो होता है वो वही रहता है जो कि फाइनल डेट शीट में है। कुछ माइनर चेंजेस होते हैं वो तब करवाए जाते हैं, वो माइनर चेंजेस जब आप कंप्लेन करते हैं, वरना 90-95% जो टेंटेटिव डेट शीट होती है वही आपकी फाइनल डेट शीट भी बाद में होती है। तो आज की वीडियो में हमने बात की डेट शीट के बारे में कि डेट शीट कब रिलीज़ की जाएगी, कैसे रिलीज़ की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।